हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनी होम रेमेडीज। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उन मदर्स के लिए काफी ज्यादा अहम है जो अपने बच्चों को मदर फीड छुड़वाना चाहती हैं। मदर्स, जैसे कि आप लोग जानती हैं, ये एक मुश्किल प्रोसेस है और इसी की वजह से माँ के साथ साथ बच्चा भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे टिप्स और ऐसे रेमेडी जिसको फॉलो करके ना तो मदर को प्रॉब्लम होगी और ना ही बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो इस स्पेशल वीडियो को देखते रहिए एंड तक, ताकि ये वीडियो आपके लिए बन जाए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरा स्टाइल और मेरा यूट्यूब चैनल पसंद है तो अभी की अभी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, क्योंकि आपका रिएक्शन मेरे लिए मोटिवेशन साबित होगा। डियर मदर्स, जैसे कि आप लोग जानती हैं, आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से बच्चों को माँ के दूध से छुड़ाया जा सकता है। ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है माँ और बच्चे दोनों के लिए। बच्चे को माँ का दूध छुड़वाना एक इंतहाई मुश्किल मरहला होता है और बच्चा अपनी माँ के दूध के अलावा किसी भी चीज को अडॉप्ट नहीं कर रहा होता। तो इसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि आप कौन सी टिप्स को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी वजूहत हो सकती है जिनकी वजह से मदर्स अपने बच्चों का दूध छुड़वाना चाहती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, माँ का दूध एक मुकम्मल गिजा है और इसी वजह से 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध जरूर पिलाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स और हालात होते हैं जिसकी वजह से माँ मजबूर हो जाती है और अपने बच्चों को मदर फीड से हटाना चाहती है। दूध छुड़ाने की जो सबसे पहली वजह वो ये हो सकती है कि कुछ मदर ऐसी होती है जो दोबारा से प्रेगनेंट हो जाती है और उनका पहला बच्चा उनके मदर फीड पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये सबसे कॉमन वजह होती है कि मदर अपने बच्चों को मदर फीडिंग से हटाना चाहती है। इसके बाद जो दूसरी वजह है वो ये होती है कि कुछ मदर जॉब करती हैं, इसकी वजह से भी वो अपने बच्चों को दूध छुड़वाना चाहती हैं, क्योंकि जॉब की वजह से मदर सारा दिन घर से बाहर रहती हैं और इसी वजह से बच्चे माँ के दूध पर ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। इसी वजह से मदर चाहती हैं कि बच्चे फौरन से फीडर का दूध पीना शुरू कर दें, ताकि उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मदर फीड छुड़ाने का जो तीसरा रीजन है वो ये हो सकता है, कुछ माओं में डिलीवरी के बाद इतनी ज्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं और उनका जो मदर फीड है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन रीजन हो सकता है बच्चों का दूध छुड़वाने का। डियर मदर, अब मैं आपको बताती हूँ वो टिप्स और ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चों को इजीली मदर फीड से हटा सकती हैं। मदर्स, बेसिकली बच्चों को दूध छुड़वाने के 2 बुनियादी फार्मूले हैं जिनमें से किसी एक पर ही मदर्स अमल करती हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप एकदम से मदर फीड बंद कर दें और अपने बच्चों को फॉर्मूला मिल्क पर ले आएं। बच्चा शुरू में तो फॉर्मूला मिल्क को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन भूख की वजह से टाइम गुजरने के साथ साथ वो फॉर्मूला मिल्क और फीडर को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप ट्रांजिशन के जरिए, मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता मदर फीड से फॉर्मूला मिल्क पर फीडर के जरिए शिफ्ट करेंगी। इस तरीके में ऐसा होता है, मतलब अगर आप दिन में 5 दफा मदर फीड करवा रही हैं, तो आप यूँ करें कि 4 दफा मदर फीड करवाएं और 1 दफा फीडर का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। कुछ अरसे के बाद जब आपका बेबी फीडर को एक्सेप्ट कर ले तो आप इजीली अपना दूध छुड़वा सकती हैं। मदर्स, मेरी सबसे पहले टिप ये है कि आप अपने बेबीज को मदर फीड के साथ साथ शुरू से ही फीडर की आदत भी जरूर डालें। आप दिन में किसी भी एक टाइम बच्चे को फीडर से लाजमी दूध दें। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दें, आप अपना ब्रेस्ट मिल्क भी पंप की हेल्प से निकालकर फीडर में डालकर अपने बच्चों को पिला सकती हैं। क्योंकि जब आप शुरू से ही बच्चों को फीडर की आदत डालेंगी तो आगे जाकर आपके बच्चे आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगी। मैंने ऐसी बहुत सी मदर्स को देखा है जो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मदर फीड पर रखती हैं और जब अपने बच्चों को दूध छुड़वाना चाहती हैं तो उनके बच्चे फीडर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। इसी वजह से जब आप शुरू से ही बच्चों को फीडर की आदत डालेंगी तो आपके बच्चे मदर फीड को बहुत ज्यादा आसानी से छोड़ देंगे। मेरी सेकंड टिप ये है कि जब आपका बच्चा 6 मंथ का हो जाए तो उन्हें सॉलिड फूड खिलाना शुरू कर दें, क्योंकि जब आपका बच्चा सॉलिड फूड खाने का आदि हो जाएगा तो आप बच्चों को नए से नए फ्लेवर के फूड बनाकर दे सकती हैं। बच्चा सॉलिड फूड के मुख्तलिफ जायकों की वजह से भी मदर फीड को जल्दी ही छोड़ देगा। आप अपने बच्चों को ठोस गिजाओं का इतना ज्यादा आदि कर दें कि जब आप अपना फीड छुड़वाएं तो आपका बच्चा आसानी से छोड़ दे, और जब आपका बच्चा 6 मंथ का हो जाए तो आप उसको फॉर्मूला मिल्क भी आराम से लगा सकती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ वो रेमेडी जिसकी हेल्प से आप माँ का दूध आराम से छुड़ा सकते हैं। इस रेमेडी में जो चीज इस्तेमाल होगी उसका नाम है मुसब्बर। मुसब्बर आपको किसी भी पंसार शॉप से आराम से मिल जाएगी। दोस्तों, मुसब्बर को बहुत से लोग जानते होंगे, ये साला साल इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, मुसब्बर ब्लैक कलर की होती है और स्टोन की तरह होती है। आपने थोड़े से मुसब्बर लेकर उसे पानी में हल करना है। दोस्तों, आपने मुसब्बर वाले पानी को अपने ब्रेस्ट के इर्द गिर्द वाले एरिया पर आराम से लगा देना है।
इसके लगाने से आपका बच्चा जब भी मदर फीड करेगा तो उसको इस चीज का जायका बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आपका बच्चा जब भी मदर फीड करे आपने हमेशा मुसव्वर का इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे इस चीज का जायका आपके बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, तो आपका बच्चा ऐसा ऐसा मदर फीड से दूर होता जाएगा। लास्ट में आपको एक बात बताते चलूं कि मुसव्वर का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और ये आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।